अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ साइंस क्लास सेवंथ कैडेट एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट ट्रांसप्लांटेशन। आज हम सीखेंगे ट्रांसप्लांटेशन क्या है। समटाइम्स एन ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन मे स्टॉप इट्स वर्किंग बिकॉज ऑफ अ डिजीज और इंजरी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी इंसान के जिस्म में मौजूद कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देता है किसी डिजीज़ बीमारी या किसी अंदरूनी चोट की वजह से। इन द पास्ट फेलियर ऑफ अ मेजर ऑर्गन रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द पेशेंट। माजी में अगर किसी पेशेंट का कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देता था तो उसका नतीजा पेशेंट की मौत में होता था। नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब साइंसदानों ने इस मसले का हल तलाश कर लिया है। आगे डिस्कस करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में। एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिप्लेसेस अ फेलिंग ऑर्गन विद अ हेल्दी ऑर्गन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में एक फेलिंग ऑर्गन की जगह पर नया ऑर्गन लगाया जाता है और डॉक्टर रिमूव्स एन ऑर्गन। एक डॉक्टर ऑर्गन को रिमूव करता है फ्रॉम अ हेल्दी पेशेंट, एक सेहतमंद इंसान से, एंड प्लेसेस इट इन द बॉडी ऑफ पेशेंट। वो पेशेंट की बॉडी के अंदर इसको लगा देता है। द पेशेंट अगेन लिव्स अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। वो मरीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजारना शुरू कर देता है। नॉट ऑल ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड। तमाम के तमाम ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। ऑर्गन्स मोस्ट ऑफनली ट्रांसप्लांटेड आर ऐसे ऑर्गन जिनको अमूमी तौर पर ट्रांसप्लांट किया जाता है, वो मंदरजा ज़ैल हैं, द किडनी, गुर्दे, बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, ज़ियाबतीस के मर्ज़ की वजह से, और द किडनी प्रॉब्लम्स या गुर्दे के दूसरे मसाइल की वजह से, द लिवर, जिगर, बिकॉज ऑफ सीरियस लिवर डिसऑर्डर, जिगर के मुख्तलिफ अमराज की वजह से इसको भी रिप्लेस किया जाता है, द हार्ट, बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर, दिल का काम बंद कर देना, अगर ये काम ना करता हो तो इसको रिप्लेस किया जाता है, इसको हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं, द पैंक्रियाज, लबलबा, बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज की वजह से, द लंग्स, फेफड़े, बिकॉज ऑफ सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस लेने के अमल की जो बीमारियां हैं उनकी वजह से लंग्स को भी रिप्लेस किया जाता है। अब देखते हैं आर्टिफिशियल ऑर्गन क्या होता है। एन आर्टिफिशियल ऑर्गन इज अ मैन मेड डिवाइस। ये एक इंसान की बनी डिवाइस है दैट रिप्लेसेस अ मिसिंग नेचुरल ऑर्गन, जो इंसान के किसी भी मिसिंग ऑर्गन को रिप्लेस करता है। आर्टिफिशियल लेग्स, मसनूई टांग, आर्म्स, बाजू, बोन्स, हड्डियाँ, आर्टरीज, खून की शरियाने, आइज, आँख, टीथ, दांत एंड ईयर आर कॉमन टू ट्रांसप्लांट नाउडेज। आजकल के दिन में इनको ट्रांसप्लांट करना आम हो चुका है। द साइंटिस्ट हु डिजाइन एंड बिल्ड आर्टिफिशियल और बॉडी पार्ट्स बायोमेडिकल इंजीनियर, इनको बायोमेडिकल इंजीनियर कहा जाता है। एक एग्जांपल मौजूद है आर्टिफिशियल लेग के यहाँ पर। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और ट्रांसपायरेशन, नेचर हैज मेड द प्लांट्स पार्ट्स इन सच अ वे दैट देयर स्ट्रक्चर परमिट द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स। कुदरती तौर पर पौधों की जिसामत इस तरह से होती है कि इनके अंदर खुराक और पानी की मूवमेंट जो है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, जड़ों का स्ट्रक्चर। फ्रॉम द मोमेंट अ सीड ग्रोज, वो लम्हा जब एक बीज उगता है, इट्स रूट स्टार्ट टू सर्च वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल, इसकी जड़ें ज़मीन में नमकियात और पानी तलाश करना शुरू करती हैं। रूट्स हैव ब्रांचेस दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट्स के मुख्तलिफ बारीक बारीक ब्रांचेस होती हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। ये एब्जॉर्प्शन यानी पानी के जज़्ब होने के अमल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। द रूट हेयर्स ऑन द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जड़ों पर मौजूद ये बारीक बारीक बाल नुमा स्ट्रक्चर ज़मीन में मौजूद नमकियात और पानी को जज्ब करते हैं। रूट्स हैव ज़ाइलम टिश्यूज़, इनमें ज़ाइलम टिश्यूज़ मौजूद होते हैं टू मूव वाटर एंड मिनरल्स फ्राम द सॉइल अप थ्रू द स्टेम टू द लीव्स, जिनकी मदद से ज़ाइलम टिश्यूज पानी को ज़मीन और नमकियात को ज़मीन से थ्रू द स्टेम तने से गुजारते हैं
टू द लीव्स और लीव्स तक पहुंचा देते हैं. रूट्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड, रूट्स की मदद से खुराक भी ट्रांसपोर्ट की जाती है. अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीव. पौधे का जो एक पत्ता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, इनको खुराक तैयार करने वाली फैक्ट्रीज भी कहा जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं अपर लेयर ऑफ अ लीफ हैज अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस, पत्ते की ऊपर वाली सतह के अंदर एक वैक्स की लेयर मौजूद होती है ग्रीन कलर की, जिसको क्यूटिकल कहा जाता है. इसका काम है पानी का बुहारात में तब्दील होना कम करना. लोअर लेयर ऑफ अ लीफ हैज स्टोमेटा, लीफ के निचले हिस्से के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं. ईच ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसप्लांट पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, ट्रांसपायरेशन और गैसेज का तबादला भी स्टोमेटा के जरिए होता है. मिड रिब एंड वेन्स ऑफ अ लीफ हैव जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, पत्ते की मिड रिब और बारीक बारीक शरियानों के अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज दोनों मौजूद होते हैं. दीज टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड थ्रू द लीफ थ्रू आउट द लीफ, ये पत्ते के तमाम एरिया के अंदर खुराक और पानी को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार. स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, तने का स्ट्रक्चर. मैनी प्लांट्स सच एज मस्टर्ड, सरसों, हैव अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल अराउंड देयर स्टेम टू रिड्यूस वाटर लॉस. हम जानते हैं चंद पौधे जिनमें से सरसों का पौधा अगर इसकी मिसाल ली जाए तो इसके तने के अंदर ग्रीन सा जेल का एक लिक्विड मौजूद होता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं. इसका काम होता है पानी के अखराज को रोकना. बार्क आल्सो रिड्यूसेस वाटर लॉस इन द प्लांट्स, बार्क का काम भी पानी को रोकना है. फ्लोएम टिश्यूज इन द स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड मेड इन द लीव, फ्लोएम टिश्यूज पत्तों के अंदर मौजूद खुराक जो तैयार होती है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, जाइलम टिश्यूज का काम है कि पानी को जड़ों से पत्ते के हर हिस्से तक पहुँचाया जा सके. आज का हमारा लेक्चर इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.